नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज मैं आपको शॉप के बारे में बताना चाहूँगा मेरे पास हर रोज़ बहुत सारी इंक्वायरी आती है जिसमें कहते हैं कि हमारी इस चीज़ की दुकान है इस चीज़ की दुकान है हम अपनी दुकान में ये काम करते हैं हम अपनी दुकान में ये काम करते हैं कुछ ऐसी बात बताएँ जो हमारी दुकान पर लागू हो आज मैं आपको वास्तुशास्त्र और अपने अनुभव के अनुसार कुछ खास बातें बताना चाहूँगा खास बातें कौन सी आपके दुकान के बाहर के भाग के बारे में बाहर का वास्तु कैसा होना चाहिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आपका काम हमेशा ही अच्छा चले आप अपनी दुकान में चाहे किसी भी तरह की आइटम सेल करते हैं आपको अपनी दुकान के अंदर जो ध्यान रखना है सबसे पहले तो जो आपकी दुकान है आपकी दुकान का जो बाहर का एरिया है वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए सड़क टूटी हुई है उबड़ खा खाबड़ है ऊंची नीची है तो उसे स्मूथ कराए सही कराए अप एंड डाउन है तो उसे प्लेन कराएं ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपकी दुकान अच्छी चलने लगेगी आपकी दुकान के बाहर नाली बनी हुई है तो आपने उस नाली को अच्छे तरीके से क्लीन कराकर पत्थरों से अच्छे तरीके से ढकवाना है आपके बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या इलेक्ट्रिक पोल है या कोई सूखा पेड़ है या वैसे कोई पेड़ लगा हुआ है तो आपने हमेशा पेड़ के आसपास साफ सफाई रखनी है सूखा पेड़ है तो उस पेड़ के पास आपने एक बेल लगानी है और वो बेल आपने पेड़ के ऊपर चढ़ानी है और पेड़ के चारों तरफ छोटे पौधे भी आप जरूर लगाएं ताकि जो सूखा पेड़ है क्योंकि सूखे पेड़ को शुभ नहीं माना जाता तो सूखे पेड़ के आसपास में जब हरे भरे पौधे लगेंगे तो उसका इफेक्ट जो नेगेटिव इफेक्ट आता है वो नेगेटिव इफेक्ट खत्म होता चला जाएगा ऐसे ही आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है तो आपने उस पोल के पाँच छ फुट सात फुट की हाइट तक पेंट जरूर कराना है पेंट कौन सा कराना है क्योंकि आपकी दुकान ईस्ट फेसिंग यानी पूर्वमुखी है तो आपने अपने वहाँ पर जो पेंट कराना है वो ग्रीन कलर या येलो कलर करवाना है ऐसा करने से भी आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा यदि इलेक्ट्रिक पोल आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में या ट्रांसफार्मर नॉर्थ ईस्ट जोन में आ रहा है तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता आप ऐसी कोई जगह दुकान कोई खरीदने जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ऐसी दुकान को आप बिल्कुल भी ना खरीदें आपके यहां साउथ ईस्ट जोन में इस जोन में इलेक्ट्रिक पोल है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो आप ऐसी दुकान के बारे में विचार कर सकते हैं परचेज करने का विचार है तो आप परचेज कर सकते हैं रेंट पे लेने का विचार है तो रेंट पे भी ले सकते हैं अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी दुकान ईस्ट फेसिंग है और नॉर्थ ईस्ट में आपके यहाँ इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो आपने उस एरिया को हमेशा ही नीट एंड क्लीन रखना है जो पोल है पोल के ऊपर आपने येलो कलर का पेंट करवाना है जहाँ तक आपका हाथ कंफर्टेबली जाता है वहाँ तक आप येलो कलर का पेंट जरूर कराएं एक बात का जरूर ध्यान रखना है जब आप यहाँ पर येलो कलर का पेंट कराते हैं तो बड़ी सावधानी से पेंट कराना है करंट ना लगे ऐसे ही आपके यहाँ साउथ ईस्ट में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है तो यहाँ पर आप रेड कलर का पेंट कराएंगे तो उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा आपने अपने यहाँ जो आपका शटर लगा हुआ है शटर के अंदर और बाहर दोनों तरफ कौन सा कलर करवाना है आपने अपने यहाँ पर ग्रीन कलर या येलो कलर का पेंट करवाना है आपने अपनी दुकान के बाहर जो बोर्ड लगाना है हॉर्डिंग लगानी है उसके अंदर जो कलर होना चाहिए वो कलर आपका ग्रीन कलर येलो कलर और वाइट कलर और लाइट ब्राउन कलर इन कलर से आप अपना बोर्ड बनवा सकते हैं ऐसा करने से आपको रिजल्ट अच्छे ज़रूर मिलेंगे अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा आपकी अपनी दुकान है और काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हैं और आपकी दुकान रोड लेवल से नीचे चली गई है तो मेरा अपना मानना है कि जब से आपकी दुकान रोड के लेवल से नीचे गई है तब से आपका काम धीरे धीरे करके स्लो होता चला गया यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपनी दुकान को रोड के लेवल से ऊंचा जरूर कराएं और हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई भी दुकान लेते हैं कोई भी जगह लेते हैं तो वो हमेशा ही रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए यदि आपने कुछ समय पहले दुकान ली है और वो रोड के लेवल से नीची है तो मैं आपको कहूँगा कि आप उस दुकान का फर्स्ट लेवल रोड के लेवल से ऊंचा जरूर करें उसके बाद आप अपना काम चालू करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपका काम हमेशा ही स्मूथली चलता रहेगा हमेशा आपके यहाँ बरकत होती रहेगी आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में जो जानकारी दी है आपकी दुकान फेसिंग यानी पूर्वमुखी है तो आपको अपने यहाँ फ्रंट के भाग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार आप नोटिस कीजिए कि आपकी दुकान के बाहर कहाँ पर किस तरह का क्या दोष है और उसे कैसे सही कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को आप एक बार नहीं कई बार जरूर सुने समझे और विचार करें उसके बाद आप अपने यहाँ पर ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट बेहतर जरूर मिलेंगे आपका काम अच्छा होता चला जाएगा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी वो सभी वीडियो भी देख सकते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे आप मेरी और भी बहुत सारी वीडियो देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट पर ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेज हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी पेड रहेंगी आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तय दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर मैं आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करूँगा तब तक के लिए आपका तय दिल से धन्यवाद